इंदौर के लाल बाग परिसर में आज एक अनूठा आयोजन होने जा रहा है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के बैनर तले इंदौर के लाल बाग में करीब 25,000 लड़कियों अब एक ही स्वर में मां महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ करेंगी। इसके लिए पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में तैयारियां हो रही हैं। आयोजन स्थल पर की जा रही तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर के लालबाग में आज एक अनूठा आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के लालबाग में एक ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा जिसमें कि लगभग 25,000 बालिकाएं जो हैं वो एक साथ मां महिषासुर मंदिनी स्रोत का पाठ करेंगी। लालबाग में इसे लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज यहां पर पाठ जो है वो किया जाएगा जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक साथ एक ही तूर ताल में स्रोत का पाठ करके बालिकाएँ जो हैं वो केवल माहौल को आध्यात्मिकता से जोड़ेगी, साथ ही सकारात्मकता की लहर भी यहाँ के वातावरण में हो, इसका उद्देश्य जो है यह किया जा रहा है। साथ ही आयोजन में लगभग 100 से अधिक कन्याएं जो हैं वो मंच पर त्रिशूल लेकर के जो हैं वो खड़ी होंगी और यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। इंदौर के लालबाग में पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के द्वारा यह 5 दिवसीय आयोजन किया जाएगा जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है और प्रतिदिन यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लेकिन सबसे अनूठा आयोजन जो है वो इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही देखने को मिल रहा है जब एक साथ छात्राएं जो हैं जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पर बैठेंगी और मां महिषासुर मंदिनी स्त्रोत का पाठ करेंगी। इसके लिए उन्हें पिछले कई दिनों से कंठस्थ जो है यह पाठ भी कराया जाता था, अलग अलग स्कूलों में इसकी तैयारियाँ चल रही थी और कई सामाजिक संगठन जो हैं इसकी तैयारी जो है शहर में कर रहे थे और आज इस आयोजन को यहाँ पर शहर के साधु संतों की उपस्थिति में अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। शाम को साधु संतों की उपस्थिति में यहाँ पर बालिकाएँ जो हैं वो पाठ करेंगी और शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रदर्शन जो है इस कार्यक्रम में किया जाएगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, आई24 इंदौर।